नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लोग पहुंचे हैं मथुरा। मथुरा से प्रारंभ कर रहे हैं यूपी में चुनाव चर्चा पर, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि उत्तर यानी उत्तर प्रदेश सबको चाहिए। हम लोग खड़े हैं होली गेट पर। मथुरा की सबसे मशहूर जगह है ये होली गेट, और आप समझें इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा पहले। क्या नाम आपका? चमन 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 जी। चमन जी, कितनी उम्र है आपकी? हो गई 60 साल, अच्छा, मतलब आपसे 10-1 साल पुराना गेट होगा ये। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, गेट के बारे में। हमें तो इतना ही मालूम है इसकी कि ये पहले अंग्रेजों ने बनवाया, जब इसका हेड एंड गेट नाम, अब तिलक द्वार हो गया। होली जलाई, अंग्रेज भगाए जब, तो जब से यहाँ होली दरवाजा कहने लगे। अच्छा, यहाँ होली जलाई गई थी। हाँ, विदेशी कपड़ों की, पूरी तो ये सबसे मशहूर चौराहा है पूरे मथुरा का, मथुरा की मेन जगह ये होली गेट। मेन जगह पर खड़े हैं। मथुरा की मेन जगह पर खड़े हैं, भीड़ है। शंकर मिठाई वाला यहाँ मशहूर दुकान है, बनारसी बाबू पान वाले यहाँ हैं। क्या है अभी माहौल, क्या है? चुनाव का बिगुल लगभग बज गया है। अच्छा, यहाँ भी कोई पता ना है इस बारे में। वैसे कैसे काम हुए हैं पिछले 5 सालों में? अगर मथुरा की बात करें तो विकास कैसा हुआ? जैसा है बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। कोई नहीं है, आपको नहीं है कि कुछ और बेहतर हो सकता था? बढ़िया काम हो रहे, क्या क्या बड़े काम हुए, कुछ जानकारी है उनके बारे में? हमें तो भैया यहीं पड़े रहे, हमें बस हमें तो यहीं की मालूम है। अच्छा, यहाँ भी कुछ हुआ पिछले 5 सालों में? ना देखो, अभी ये बनाया है, ये अभी बनाया बिल्कुल। ताजा बनाया ये, इससे पहले नहीं था ये जी। हाँ, क्या नाम आपका? आसिफ। आसिफ, आसिफ। क्या है अभी माहौल मथुरा में? अभी तो कुछ ऐसे ही माहौल है, कुछ खास माहौल नहीं है। नहीं, नहीं, कब होएगा खास माहौल? ये राजनीति देखो, अभी वोटिंग के टाइम पे होगा, जब भी काम होंगे शहर के अंदर। धीरे धीरे सुगबुगाहट तो है। अच्छा, अभी ये सुधार ही हुआ है, क्योंकि वोट आ रहे हैं, फिर ऐसे ही रहेगा। भाई एक बात बताओ, पिछले पिछले 5 सालों में 19 बार योगी जी मथुरा आए हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप यहाँ इस शहर में? जब भी वो आते हैं, जब भी थोड़ा परिवर्तन रहता है, नहीं तो फिर वैसे ही रहता है, पहले की तरह जैसे रहते हैं। कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा उद्योग, कोई बड़ा काम धंधा यहाँ नहीं आया है? नहीं, कुछ नहीं है। मतलब इतना अटेंशन है मुख्यमंत्री का यहाँ पर, योगी जी का यहाँ पर, कि अपने 5 साल के कार्यकाल में एक जनपद में एक जिले में 19वीं बार आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ यहाँ विशेष कृपा होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, उनका आना बहुत विशेष है, मगर अभी तो कुछ खास दिख नहीं रहा। अभी काम हो जाता है, अब आते हैं, कुछ बोलते हैं, वही काम होता है, और जन कुछ काम खास बढ़ते नहीं है आज। कुछ काम खास पड़ता नहीं है। बात करेंगे, यहाँ बनारसी पान बाबू पान वाले हैं होली गेट मथुरा पर। बनारसी जी बैठे हैं ये, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, और बनारसी बाबू पान वाला, बहुत पुरानी पान की दुकान है आपकी? जी हाँ, पीढ़ियों से। पीढ़ियों से कौन सी पीढ़ी चल रही है अभी? ये चल रही है तीसरी तीसरी पीढ़ी। तो ये बड़ा मशहूर इलाका है आपका, ये होली गेट जो है, हृदय स्थल है ये मथुरा का। मथुरा का हृदय स्थल। हृदय स्थल मतलब आप समझे, हार्ट ऑफ द सिटी ये है जहां हम खड़े हैं और बात रहे हैं, पान की दुकान से बात कर रहे हैं हम जी। क्या है अभी माहौल? माहौल चुनाव का बढ़िया है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, फरवरी में मार्च में चुनाव होंगे। माहौल तो भाजपा का है और किसका है? अच्छा, बीजेपी का माहौल। सरकार योगी की बनेगी, योगी जी से 1%। 1% का शक है, 1% का हो सकता है कि गठबंधन वगैरह कुछ हावी हो जाए, लेकिन अपनी 99% तो अभी माहौल जो है योगी सरकार का, योगी सरकार का है। मथुरा पर वैसे भी योगी जी का बड़ा विशेष स्नेह रहता है। आज भी वो योगी मथुरा जी है, मथुरा आए हुए हैं, रामलीला मैदान में उनका आज प्रोग्राम है उनका, और पिछले बार लगभग 2 साल से वो इस समय ज्यादा उनका आवागमन चल रहा है। 5 साल में 19वीं बार आज मथुरा में है शायद। हाँ होंगे, विशेष ध्यान है मथुरा पर, ध्यान है उनका मथुरा पर। चुनाव लड़ेंगे इस बार मथुरा से? अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मथुरा से वो शायद ही चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं, यहाँ का संत समाज है, वो आमंत्रित कर रहा है कि आए यहाँ चुनाव लड़ें, लेकिन मुझे लगता नहीं है मथुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। उनका चुनाव जो जहाँ तक लड़ेंगे वो गोरखपुर से ही लड़ते आए, वहां से लड़ेंगे या फिर अयोध्या से लड़ेंगे। अयोध्या या गोरखपुर से वहीं से लड़ेंगे, मथुरा नहीं आएंगे, कृष्ण के पास नहीं आएंगे, राम के पास ही रहेंगे। हाँ जी, राम के पास ही रहेंगे वो पहले, क्योंकि राम के द्वारा ही वो आए हैं और राम जी के पास ही जाना चाहते हैं वो।
ये जो ब्राह्मणों का कुछ रुझान ठीक नहीं चल रहा है इस समय। अब ये तो वोट के समय पता लगेगा ब्राह्मणों को रुझान किस पर आ रहा है, मेरे कहने से क्या पता लगता है। मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। अब ब्राह्मण का रुझान की तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण है नहीं हूँ, मुझको नहीं पता। अच्छा, और ये जो किसान आंदोलन हुआ उसका कुछ प्रभाव लग रहा है? उसका प्रभाव मथुरा में कुछ नहीं पड़ेगा, ना यूपी में पड़ेगा ज्यादा। मथुरा और यूपी में नहीं है, फिर कहाँ रहेगा उसका? जो आपका जो उसका झुकाव रहेगा ज्यादा पंजाब की साइड। पंजाब की साइड, यूपी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तमाम लोग खड़े हैं, युवा खड़े हैं, बात करेंगे। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह सर। विक्रम जी, क्या करते हैं विक्रम जी? सर मैं तो ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। तो क्या कैसा चल रहा है अभी, शहर के हालात कैसे हैं? शहर के हालात तो सर जी सही हैं यहाँ तक है। और अभी नहीं, जय योगी जी अभी महंगाई की तरफ और बाकी तरफ ध्यान ही दे रहे हैं। थोड़ा महंगाई ज्यादा ना रोकट तोड़ रही है जनता, आम जनता परेशान है, मतलब महंगाई की तरफ परेशान है। काम धंधे और रोजगार की वजह से थोड़े परेशान है, वैसे सब कुछ बढ़िया है। वैसे बढ़िया है बहुत। वैसे तो मथुरा आना जाना लगातार लगा रहता है योगी जी, बहुत प्रयास कर रहे हैं मथुरा में सुधार लाने की और प्रयास करने की, विकास करने की, अच्छा काम कर रहे हैं मीनर में। मगर ये थोड़ा सा ना महंगाई और ये थोड़ा काम धंधे रोजगार की चाल बने, व्यवस्था बने न, अपना आम जनता परेशान है ज्यादातर। जनता परेशान है जी। आपका क्या नाम बाबू? अरे विकास खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, क्या है अभी, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ साहब आज तक बीजेपी यहाँ से उतरी आई है और बीजेपी की चांस है, बीजेपी के ही चांस है मथुरा पर। टक्कर तो बीजेपी लेगी, बीजेपी आनी चाहिए। आज तक कोई दूसरी पार्टी नहीं आई है मथुरा में, दूसरी पार्टी नहीं है बीजेपी 70 सालों से? नहीं, एक दफे आए थे माथुर जी, इसके बाद नहीं। एक बंधन सिर्फ कांग्रेस का और अखिलेश का है और कुछ नहीं है, कांग्रेस तो आनी नहीं है। तो अखिलेश से ही मुकाबला है योगी जी का? कैसा रहेगा ये मुकाबला? अब साहब ये तो भगवान बताएगा साहब आगे का, जमुना माते जमुना मैया बताएगी। अब साहब भीतर लिए मैं तो जमुना मैया इस बार बुला रही है योगी जी को, बुला रही है कि यहीं आ जाओ, यहीं से लड़ ले। गंगा मैया ने तो ले लिया मोदी जी को गोद, तो यमुना मैया योगी जी को लेगी गोद? वो तो गोद हट रही है अब, देखिए काशी न्याय नहीं है के योगी भैया और अरुण आरसी करी, बड़े प्रेम से करी, किसी भीड़ भाड़ी इतनी भीड़ भाड़ थी, भावना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर कन्हैया लाल है। कन्हैया लाल, क्या करते हैं कन्हैया लाल जी? मैं मजदूरी करता हूँ। कन्हैयालाल जी, क्या है अभी माहौल? माहौल ठीक है सर, यहाँ तो बीजेपी पार होगी, यहाँ तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार काम भी अच्छा कर रही है। अच्छा जी, तो क्या क्या पिछले 5 सालों में क्या बड़े काम हुए मथुरा में? मथुरा के अंदर देखो, बीजेपी वालों ने मथुरा के अंदर हुए जो हुए, परंतु जो श्री राम मंदिर अयोध्या का जो हमारे प्रभु हैं उनका, दूसरी बात काशी में भी बीजेपी वालों ने अच्छा काम किया, और तीसरी बार देखो क्या कह रहे, कह तो रहे हैं कि अब नंबर यहाँ का है। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। अब ये इसी बार हो जाएगा कि बाद में होगा, इसके बाद 22 के बाद? देखो सर ये तो समय बताएगा, पर तैयारी है। जी हाँ, तैयारी तो है, बिल्कुल तैयारी है सर, तैयारी है। पहले राम वाला पूरा हो जाए, फिर कृष्ण वाला देखेंगे। जी, फिर शिव जी वाला। राम वाला पूरा हो गया, हो गया, हो रहा है। देखिए सबसे बढ़िया 370 हटाई, कश्मीर कभी नहीं हटाते नेहरू जी की इसमें चाल थी, और नेहरू जी से असली ब्राह्मण भी थे नहीं। अच्छा, अब ये जो सरकार है ये तो केंद्र के मुद्दे हो गए कि 370 हटी, कश्मीर हटी, मोदी जी का काम हो गया। योगी जी का काम कैसा? योगी जी का काम बड़े चल रहा है अभी तो, बहुत पहले से तो बहुत बेहतर काम हो रहा है सर सभी जगह। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश है। मैं तो जो चाह रहा हूँ योगी जी मथुरा से लड़े और विकास हो। यमुना भाई बुलाए उन्हें? यमुना जी की बात नहीं कर रहा, यमुना जी अपने 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 आप ही आ जाएंगे अपने आप।
पर थोड़ा जो है थोड़ा कानून व्यवस्था भी बढ़िया रहनी चाहिए, गुंडे ही बंद होने चाहिए। और सपा सरकार आ गई तो दुकानों मकानों बड़े कब्जा होंगे, हमें गुंडों और गुंडों की सरकार नहीं चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं सपा पार्टी के जो कार्यकर्ता, तो कह रहा हूँ हमको बीजेपी के अलावा कोई हमको नहीं चाहिए, और बीजेपी चाहिए। और मथुरा से चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री योगी जी लड़े, और कोई प्रत्याशी हमको पसंद नहीं है। जो प्रत्याशी जीता है कभी गली में नहीं, नमस्ते करने भी नहीं आया, वो लाल बत्ती के भूखे हैं बस। हमको चाहिए काम वाला प्रत्याशी। तो प्रत्याशी ठीक नहीं है यहाँ मथुरा में? नहीं, हमको अच्छा नहीं। मुख्यमंत्री ठीक है पर प्रत्याशी ठीक नहीं है। हाँ, कौन है अभी विधायक यहाँ से? आप श्रीकांत शर्मा जी है। श्रीकांत शर्मा जी है वो सूर्य मंत्री है, वो कुछ देखने नहीं आते हैं। तो कुछ देखने नहीं आते हैं, नहीं आते हैं पब्लिक में, जनता के बीच नहीं आते हैं, कभी आए नहीं आज तक। तो मथुरा का विकास चाहिए और कानून व्यवस्था बढ़िया चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बीजेपी में। मतलब योगी जी से संतुष्ट हैं लेकिन मंत्री जी से संतुष्ट नहीं है, योगी जी से संतुष्ट हैं लेकिन मंत्री जी से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मंत्री जी से नहीं है। मंत्री जी तो हमने नमस्ते भी करो वो नमस्ते भी नहीं लेंगे। अच्छा जी, क्या कहते हैं आप, क्या नाम आपका? कमल सैनी। कमल सैनी, कमल सैनी जी, क्या है माहौल भैया अभी? अच्छा माहौल है, योगी जी आने चाहिए। अच्छा, श्रीकांत जी को लेकर थोड़ी नाराजगी है लोगों में? श्रीकांत जी को लेकर नाराजगी है, जायज है। अच्छा, वो ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। तो बदले जाएंगे? बिल्कुल बदलना चाहिए, कैंडिडेट बदल दें। बिल्कुल सर। क्या नहीं चाहिए श्रीकांत शर्मा? चाहिए सर। तो कौन चाहिए? कोई भी हो और आएगा, और भी बहुत काबिल काबिल हैं, और भी आने चाहिए, पर ये नहीं चाहिए, योगी जी आने चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चर्चा ये है कि लगभग 150 के करीब विधायक जो हैं उनका पत्ता इस बार कट सकता है, भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है, ये चर्चा है। और चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, पता चले जी। नए लड़कों की भी जरूरत है, नए प्रत्याशी आने चाहिए। वैसे काम वाला हमको योगी दिखाई दे रहे हैं, और कोई नहीं दिखाई दे रहा। और जो काम करने वाले थे उनको तो टोपी पकड़ा दी है और मंत्री बना दिया है देवेंद्र शर्मा को। आज वो विधायक होते तो काम करके दिखाते, देवेंद्र शर्मा जी। कौन? देवेंद्र शर्मा। वो कौन सी सीट से हैं? वो लड़ना चाह रहे थे, उनको वो चेयरमैन बना दिया है। चेयरमैन बना के बैठा दिया है? हाँ, उनको टोपी संतरा की गोली पकड़ा दी है। प्रत्याशी वो है, प्रत्याशी वो है। क्या आप भी बताएं कुछ, आप भी देख रहे हैं पीछे से। क्या नाम आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार गोला। विनोद कुमार गोला जी, तो गोला जी क्या करते हैं आप? मैं सर ढकेल लगाता हूँ, ढकेल लगाता हूँ सब्जी की, मूंगफली की, ढकेल लगाते हैं। क्या है अभी माहौल? माहौल तो जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, योगी जी मोदी जी। और पब्लिक की नजर में खूब राशन पे चना दे रहे हैं, माहौल लग रही है मोदी जी और योगी जी की, मोदी जी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, जो कुछ हो रहा है हो रहा है, नाच और जो तो मिल ही रहा है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। योगी जी और मोदी जी किसी पार्टी ने दिया एक नंबर में है तो सब चीज सही है, दो नंबर में करोगे तो गलत ही है। योगी जी का कहना है कि जो यहाँ के एमएलए हैं और मंत्री हैं श्रीकांत जी, उनसे लोग खुश नहीं है, उनको नहीं है। बिजली के पैसे भी बढ़ा दिए, जो चोरी की बत्ती जला रहा है वो मौज मार रहा है, जो और सही बत्ती जला रहा है उसका बिल देखो कितने बिल आ रहा है। बिजली के दाम बढ़े हैं, हम सही जलाते हैं, 8,500 रुपए बिल आता है, और सामने वाली पार्टी का बिल आ रहा है कहीं किसी का 250 रुपए, किसी का 300 रुपए, किसी का 400 रुपए। ज्यादा बिजली जलाते होंगे? नहीं तो मैं एक नंबर में जला रहा हूँ ना, मैं तो वो दो नंबर में मेरा बिल्कुल दो नंबर में चलती है, कोई देखने वाला नहीं है उस चीज को। वो भरता हमसे निकाला जा रहा है क्योंकि हम एक नंबर में जला रहे हैं। जो उपभोक्ता सही तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, सही तरीके से बिजली जला रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है उनको, केबल टूट जाती है, कुछ भी हो जाती है बिजली का, फोन करो तो 200 रुपए लूंगा लट्टे पे लगाने के लिए। मैं लगाऊंगा तो कह देंगे तुमने दो नंबर की लाइट के लिए चढ़ाए तुम खम्भे पे। बिजली घर से बुलाता हूँ तो 200 रुपए लेगा, मैं लगाता हूँ तो कहते हैं कि तुमने दो नंबर की चोरी के लिए डाला है। योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह का जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश नहीं लगा है? नहीं सर, ये तो नीचे के जो छोटे छोटे अधिकारी लोग हैं, जो चपरासी लोग हैं, ये कर रहे हैं इस काम को, तो
योगी जी नहीं कर रहे हैं, ये छोटे छोटे नेता हैं, ये पर कोई अंकुश नहीं है पर सरकार का? नहीं सर, नीचे के जो कर्मचारी हैं उन पर अंकुश नहीं है। फिर कार्यवाही करो तो मतलब ये अपनी दुकान को बंद करें, इनकी कार्यवाही पूरी करते रहो, अपनी दुकान को बंद करके इनकी कार्यवाही में डोलते रहो जब तो इनकी सुनवाई होती है कुछ। यानी कि मैं अपनी दुकान को बंद कर दूं, 8 दिन डोलूं कि ऑफिसों को चक्कर लगाऊं, जब उस पर सुनवाई होगी। आप देखें, हम लोग खड़े हैं मथुरा के सबसे सबसे मशहूर इलाके में, होली गेट का इलाका है। और गोला जी जैसा बता रहे थे कि अभी और सब चीजें तो ठीक चल रही हैं, पर यहां जो स्थानीय विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, उनसे यहां लोग खुश नहीं है। कुछ नहीं है, बिजली की शिकायत है, वहां शिकायत करते तो वहां और कहते हैं कि आप भी चोरी करिए, हमसे ये कहते हैं आप भी चोरी करिए, जो दुनिया चोरी कर रही है आप भी करिए, अब हम कैसे करें चोरी? हम तो कितने रुपए यूनिट है बिजली इस समय? इस समय 7 चल रही है, 7 रुपया यूनिट है। आप भी बताएं कुछ, आप भी युवा चेहरे हैं जी, क्या नाम आपका? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? आकाश मथुरा का ही। प्रॉपर मथुरा, कौन सा मोहल्ला? बिरला मंदिर। क्या है अभी माहौल? सॉरी, अभी माहौल क्या है यहाँ? माहौल तो सही है सर, मेरे को तो कोई चुनाव आ रहे हैं तो क्या रुझान चल रहा है? आई डोंट नो, मेरे को इतने इसमें पॉलिटिक्स राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। वैसे चीजें ठीक है यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है यहाँ? सही है सर, उस हिसाब से तो सही है। रोजगार वगैरह के साधन ठीक है? हाँ सब है। कुछ 5 सालों में कुछ विशेष विकास देखा आपने यहाँ? 5 सालों में विशेष विकास बस यही है कि त्योहारों पर मथुरा चमन हो जाता है बस। त्योहारों पर मथुरा चमन हो जाता है, और बाकी दिनों में? बाकी दिनों में सही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। 19वीं बार आ रहे हैं आज योगी जी पिछले 5 सालों में? अब ये नहीं पता कितनी बार आ रहे हैं, ये पता है कहाँ जा रहा है। ये तो ये जितनी बार मुख्यमंत्री आते हैं वो तो पता ही चल रहे हैं, ये पता है। विशेष स्नेह है मथुरा के साथ योगी जी का? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है मथुरा। उस तरह का कोई विकास, कोई चुनाव लड़ेंगे इस बार, चर्चा है मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे भी आया कि बुला रहे हैं लोग, आमंत्रित कर रहे हैं, क्या ना है? नहीं सर, मेरे को इतना टाइम, यमुना माई नहीं बुला रही है? पता नहीं सर, यमुना जी का पहले तो यमुना जी का ही देख लें। बहुत सी जगह गंदगी है, सारी चीजें हैं। यमुना जी की आपने बात की है तो यमुना जी को तो बोलूंगा कि यमुना जी का थोड़ा सा विकास होना चाहिए, यमुना जी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए तो बोलूंगा, पर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, कतालो तो देखते ही आ रहे हैं हम तो, जब से यहाँ आए हैं 10-12 साल हो गए, मैं तो यही देख के आ रहा हूँ यमुना जी सब साल, यमुना मिशन चल रहा है, यमुना मिशन चल रहा है, आज तक तो कोई सफाई इतनी भी नहीं देखी है। सफाई नहीं हुई है यमुना जी की, सफाई नहीं हुई, बड़ा मुद्दा है जी। बिल्कुल, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी सरकार? नहीं सर, मैं बीजेपी सरकार से नाराज हूँ, मैं पॉलिटिक्स से किसी सरकार से नाराज। आप नहीं है मतलब ब्राह्मण? अब उसका पता नहीं सर, ब्राह्मण नाराज नहीं, क्योंकि मैं इतना ध्यान देता नहीं। मैं आपको रियली बताऊं, किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा? किसान आंदोलन का मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ना है मथुरा में जी। क्या नाम आपका? आइए। गुड्डू मिर्जा। तो गुड्डू जी आप भी बताओ, क्या है माहौल अभी, किस मामले में कैसा माहौल अभी चल रहा है? 5 साल पूरे हो गए सरकार को, 5 साल में क्या जो हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदू मुस्लिम के जज्बे में लोग रह रहे हैं बस, और क्या दिख रहा है? कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चिटिंग है। जो आदमी राशन फ्री दे रहा है राशन वालों को, 20 तारीख तक की डेट दी है, वो डेट में पूरा राशन आ नहीं पाया, तो इसका मतलब ये विधानसभा के चुनाव की वजह से लोग चिटिंग कर रहे हैं राशन को दिखा के गरीब को जोड़ने के लिए। जो राशन पूरा अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा, पब्लिक घूम रही है, कुछ आ गया कुछ नहीं आया, तो बाद में तो देंगे नहीं ये लोग जब पूर्ति। किसान को खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा और राशन नहीं मिल रहा लोगों को? खाद भी नहीं मिल रही, यूरिया भी नहीं मिल रहा, दुनिया भर के आप देख ही रहे हैं जैसे भी देश में हालात है। और मोदी मीडिया जो भी मीडिया वो अपने तरीके से दिखाती है, हम जैसों को काट देती है। आप बाजार में घूम, हम तो सबको दिखाते हैं, हमने तो देखो जो बोल रहा है हम तो सबको दिखा रहे हैं। और आप बाजार में देखिए, कारोबार नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है। मथुरा पर तो विशेष फोकस है योगी जी का, कुछ नहीं है उनकी। कोई क्या नाम आपका? मेरा अभिषेक पिंटू जी। क्यों 19वीं बार आ रहे हैं आज योगी जी मथुरा में? देखिए 19वीं बार पिछले 5 साल के बाद विकास के नाम का कोई मुद्दा है नहीं है। अब ये दोबारा धर्म का मुद्दा ला रहे हैं तो मथुरा को, क्योंकि अयोध्या को तो इन्होंने पूरा कर लिया 20 साल में उजाड़ के, अब ये मथुरा को ला रहे हैं क्योंकि इनके पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं है, जो पब्लिक के लिए किया हो, जिसके नाम पर ये वोट मांगे। ये तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आज ये मथुरा की हमारी फिजा इतनी अच्छी है, कुछ दिनों बाद देखिएगा ऐसी फिजा खराब कर देंगे कि यहाँ जो रोजी रोटी चल रही है, जो बाहर से बेचारा दर्शनार्थी आता है उसका भी आना बंद हो जाएगा, ये उस फिजा को बिगाड़ने आ रहे। अरे आप देखिए मथुरा शहर की जमुना जी का नाम आधा तीर्थ स्थल घोषित किया है,
और इधर का एरिया जो परिक्रमा मार्ग है, रंगेश्वर महादेव, विश्राम घाट, ये तीर्थ स्थल नहीं है, ये कौन से मायने हैं इनके तीर्थ स्थल घोषित करने के? जब मथुरा तो कृष्ण की जन्मभूमि है, पूरा स्थल तीर्थ स्थल है, आधे हिस्से में अंडा बिकेगा, आधे हिस्से में अंडा नहीं बिकेगा, ये क्या मायने है इसके? आप मायने बताइए। आधे आधे मथुरा में अंडा बिकेगा, आधे में नहीं बिकेगा। जो तीर्थ स्थल उन्होंने महत्व घोषित कर दिया है वहां तो नहीं बिकेगा, उसके बाहर का एरिया जो है यह अंडा अंडा मोली गेट में बिकेगा, माने माने बिकेगा। बताइए ये क्या मायने है? धर्म स्थली है ये, धर्म स्थली है। देखिए ये मथुरा जो है ये रसकान की नगरी है, कृष्ण और रसकान की, यहाँ हमेशा से कभी आज तक भाईचारे को यह कलंक नहीं लगा, आग नहीं लगी है यहाँ। लेकिन अब इनका जो ऐसा माहौल बना रहे हैं तो इससे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में ये यहाँ भी इसका पलीता लगाएंगे भाईचारे को। आज जमुना जी है, आज हमारी जमुना मैया का आचमन लेने लायक नहीं है। ये मंत्री जी 5 साल से इन्होंने जमुना जी के मुक्तिकरण और जमुना जी का नाम लेकर के वोट मांगी थी, मंत्री जी 5 साल दिखे नहीं है। मंत्री जी लखनऊ श्रीकांत शर्मा नहीं दिखे साहब, मंत्री मथुरा की बिजली की सबसे बड़ी यूपी की जो है दर ज्यादा है, मंत्री जी को दर घटानी चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं बिजली कम जलाइए, अरे कम जलाइए मतलब घर में जलाई नहीं, अंधेरे में बैठिए, ये कैसा विकास है, ये कैसा विकास है? जमुना मथुरा की पहचान है यमुना जी, गोवर्धन, ये मथुरा की पहचान है। आज आप जमुना जी की स्थिति देखिए, झाग ही झागों से परिपूर्ण हो रही है, क्या ये मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इनको ये जमुना इनके लिए नहीं है? क्या सरयू नदी है जमुना, जमुना जी का कोई मायने नहीं है इनके लिए? तो ये मेन बात है जो ब्रिज में होनी चाहिए। ब्रिज जो है 84 कोस का क्षेत्र चमकना चाहिए था, यहाँ इतना पर्यटन है, अगर 84 कोस जो हमारी परिक्रमा लगती है उसको जो चमका दे, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ सोना बरसेगा, चांदी बरसेगी, यहाँ आदमी बगैर बुलाए के आता है मथुरा में। पर सुविधा के नाम पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, केवल छलाई छला है, केवल छला है। आप इस रोड को देखिएगा, ये रोड पड़ा हुआ देखिए, RCC का रोड होना चाहिए, मेन रोड है, ये टाइलों का रोड बना हुआ है। और जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है ना, सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में जो मुस्लिम होटल थे उसी क्षेत्र को बंद करके इन्होंने दिखाया दूसरे समाज को, देखो मुसलमानों को बेरोजगार कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है, संविधान के किसी के मुताबिक भी कहीं भी रोक नहीं है, कोर्ट से रोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मनमानी हो रहा है वही बोल रहे हैं। आप देखिएगा, उन्होंने मस्जिद के बारे में बोला था, तुम्हारे योद्धे हमारी है, काशी में काम जारी है, मथुरा की बारी है, वो उप मुख्यमंत्री जो है उनको इस पद पर इस जिम्मेदारी पर ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए? बताइए, इसको देश चलाना कहते हैं? अरे मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं, आम जनता के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को तो एक नजर से देखना चाहिए ना, सबको भेदभाव से देख रहे हैं। अब लोग मथुरा में नजर लगाए हुए हैं, आज यानी योगी जी आ रहे हैं, देखो क्या गंदा अल्फाज बोल रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ के, मांग उठ रही है कि मथुरा से चुनाव लड़े योगी जी। देखिए, मांग उठ रही है मथुरा से चुनाव लड़े योगी जी, क्योंकि इनके लिए जो है बनारस, अयोध्या, मथुरा मेन है, मांग उठ रही है। जनता की तो मांग है नहीं है, ये जनता की मांग नहीं है, ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। आप बताइए भाई साहब, मथुरा शहर घूम करके आ रहे हैं, आपने यहाँ की सड़कों पर चले हैं, कहीं सीवर का ढक्कन ऊपर है, सड़क नीचे धसी हुई है। मथुरा ऐतिहासिक नगरी है, मथुरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर एरिया में फैली हुई नगरी को ये नहीं बना पाए विकास का, तो ये क्या विकास कराएंगे? आदमी चलता है ठोकर खा जाता है, सीवर का ढक्कन ऊपर है, क्या देखने नहीं आते हैं? क्या मंत्री जी को नहीं दिख रहा है ये? अब देखिए, ये बनाया गया है, ये देखिए मेन चौराहे का, होली हट जाओ, ये देखिए ये मेन चौराहे का, उस दिन मंत्री जी आए तब रात को बनाया गया है। अब इसमें भाई साहब किसी का, इसके कितने लोगों का पैर चला गया मेरे सामने इसमें, ये दुकानदार भी बेचारा कहते कहते हार जाता, पत्थर ढकता है, कितनी बार पत्थर रखेगा ये यहाँ पे? ये विकास है चौराहे का, इसमें बच्चे का पैर नहीं जाएगा जब भीड़ निकलती है? ये देखिए आप, ये है मथुरा का विकास। माननीय जोगी जी तो यहाँ लड़ने आ रहे हैं, श्रीकांत शर्मा जी भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, ये विकास है, जबकि मथुरा जो है मेन चौराहा है, यहाँ से तमाम प्रमुख नेता और तमाम प्रमुख अधिकारी गुजरते हैं, क्या उनकी नजर में नहीं आया? होली गेट तो मतलब आप समझे कि हार्ट ऑफ द सिटी, ये भाई साहब पहले तो टूटा था, 8 दिन पहले विशेष मांग पर लगाया, उसको देखो खाना पूर्ति की गई है, केवल पतली पतली सी छड़ें लगा दी, छड़ियां ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल ही छोड़ दिया इसमें, इसमें होली गेट से ऊर्जा मंत्री हमारे मथुरा के लाइट देखिए कैसी पड़ी है, कैसी बारिंगें पड़ी है, ये विकास है देखिएगा आप किस तरह के हालात पड़े हैं तारों के इनके, ये मेन चौराया देखिए, जब से बताइए कैसे हालात, जो अंडरग्राउंड बिजली श्रीकांत जी ने जो करवाई है वो बिल्कुल नियम से गलत है, और इससे कभी भी हादसे होते रहते हैं और होते रहेंगे, इसी तरीके की रहेगी। इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा खोद के और केबल लगा दी है, और वो बारिश के पानी से या जानवर के खुर से निकल जाती है, ये अंडरग्राउंड बिल्कुल गलत और दुर्घटनापूर्ण है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव माहेश्वरी।
अभी भाई साहब करोड़ों अरबों रुपए का बजट आया था मथुरा की सीवेज लाइन के लिए, आप गली मोहल्ला का निरीक्षण करिए, सीवेज ऐसी बनाई गई है बिल्कुल सड़क से लेवल पे, सड़क के लेवल पे बनाई गई है, और उसके बाद जो बना रहा है वो कह रहा है केवल फोटो खिंच जाने दीजिए, उसके बाद आप कनेक्शन को काट दीजिएगा, ये विकास है भाई साहब मथुरा का, विकास नहीं है विनाश है ये। तो आप देख सकते हैं हम लोग खड़े हैं होली गेट मथुरा पर, और तमाम लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।